है अलाभकारी संस्था के लेखे, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य क्या लाभ कमाना नहीं, क्या करना है, लोगों की भलाई करना है, लोगों की मदद करना है किसी भी तरह से, लेकिन क्या उद्देश्य नहीं है, लाभ कमाना। अब एग्जांपल के लिए क्या क्या ऐसा होता है थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर खुद ही पता चल जाएगा हाँ सर ये क्या होता है। गवर्नमेंट स्कूल, राइट, क्या ये एनपीओ, क्योंकि तुम्हारी स्कूल में जितना खर्चा हो रहा ना उतनी इनकम नहीं हो रही है, सरकार चला रही है, कहाँ से चला रही है, जेब से खर्चा करके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी क्या है तुम्हारे एनपीओ। अब मैं बार बार अलाभकारी संस्थाओं को शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, एनपीओ। एन यानी नॉन, पी मीन्स प्रॉफिट, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो एनपीओ, ए हाँ सॉरी एनपीओ यानी क्या चीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं है, क्या करना है, लोगों की भले करना है, सेवा करना है, और लोगों की भले के लिए ये चलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया सर मैं, अच्छी बात है गया, कुछ नहीं लगा, ना तो फार्म के पैसे लगे, ना दवाई के पैसे लगे, डॉक्टर ने फ्री में तेरे को चेक कर दिया और दवाई दे दी, तो हॉस्पिटल क्या हो गया एक तरह से अपना एनपीओ, ऐसा ही एक नाम हो रहा है, सुना होगा तुमने नारायण सेवा संस्थान, सुना नाम, ये भी क्या है एनपीओ लोगों की, ये भी क्या है एनपीओ। तो कुल मिला के एनपीओ की डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गई, ऐसी संस्थाएं जो लाभ या हानि के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती है, किस उद्देश्य से चलाई जाती है, जनता की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जनहित, जनहित पब्लिक वेलफेयर, यानी ऐसे काम करना जो पब्लिक वेलफेयर के, लोगों को अच्छा लगते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, क्या करना है, लोगों की भलाई करना है या हित करना है या जनहित के कार्य करना है, ऐसी जो संस्थाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं एनपीओ, या हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, अलाभकारी संस्था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ गया पूरा ये। अब मैं अगली चीज लेता हूँ प्रोफेशनल पर्सन, या जिनको क्या बोलेंगे प्रोफेशनल पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, तो इसकी एक डेफिनेशन है, वे व्यक्ति जो माल का क्रय विक्रय नहीं करते, राइट, नहीं करते, अभी मैंने कहा था ना ये माल का विक्रय तो कई व्यक्ति करते ही नहीं है, क्या देते हैं सेवा, तो वे व्यक्ति जो माल का क्रय विक्रय नहीं करते क्या करते हैं, लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ऐसे लोगों द्वारा जो व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की जाती है, या ऐसे व्यक्ति जो लोगों से सेवा प्रदान करते हैं लोगों को, उनको क्या बोलेंगे प्रोफेशनल पर्सन, प्रोफेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं पेशेवर, तो मैं क्या बोलूँ पेशेवर व्यक्ति, प्रोफेशनल पर्सन या पेशेवर व्यक्ति। अब पेशेवर व्यक्ति कौन, अरे सर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना जो क्या देता है सेवा देता है, अब तुम मेरे पास आए कि सर लो पढ़ा दो, पढ़ा दो यानी मैं तुम्हें सर्विस दूंगा, ऐसे ही तुम डॉक्टर के पास गए पेशेवर व्यक्ति, तो ये भी हो, और दूसरा प्रोफेशनल पर्सन, अब इन दोनों का अर्थ समझ में आ गया। तो इसकी क्या एक डेफिनेशन है पेशेवर व्यक्ति की, क्या डेफिनेशन है कि पेशेवर व्यक्ति किसको कहते हैं, तो वह व्यक्ति जो अपनी मेंटल एबिलिटी से पैसा कमाता है वैसा पेशेवर व्यक्ति। अमिताभ बच्चन कौन है, प्रोफेशनल है, क्यों बच्चन से बात की कि भाई आपकी सर्विस की ज़रूरत है, आप इस फील्ड में काम करोगे, उसने कहा मैं कर दूंगा, कौन है वो भी पेशेवर व्यक्ति प्रोफेशनल पर्सन है।
तो वे सारे पर्सन जो क्या करते हैं, लोगों को सेवा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो लोगों को सेवाएं देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेशेवर व्यक्ति या प्रोफेशनल पर्सन। कौन कौन आ गए, डॉक्टर, टीचर, लॉयर और डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब कौन है, पेशेवर व्यक्ति। तो अब आओ कि एक बार अब चैप्टर का नाम पता चला कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक तो है पेशेवर व्यक्ति और दूसरा क्या है, यानी अलाभकारी संस्था है। पेशेवर व्यक्ति और अलाभकारी संस्था। सलमान खान का भी अपना एनपीओ है, कौन सा, बिंग वूमेन, BINGHUMAN। तो अलाभकारी संस्था और पेशेवर व्यक्ति ये क्या करते हैं, अपना जो हिसाब किताब रखते हैं ना उसके लिए बुक्स रखते हैं,